बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कातलाना हमला और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कातलाना हमले के लिए इब्ने मलजम कूफा पहुँचा। इब्ने मलजम मिस्र का रहने वाला था। इसने कूफा जाकर अपने हामियों को इकट्ठा करना शुरू किया जो नहरवान में बच गए थे। इस दौरान उसने अपना राज किसी से बयान ना किया। एक दिन उसकी मुलाकात शुबैब बिन शजरा से हुई जो उसे अपने मतलब का आदमी लगा। इब्ने मलजम ने जब उसे अपने मंसूबे से आगाह किया तो उसने इब्ने मलजम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन इब्ने मलजम ने उसे लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया। इस दौरान इब्ने मलजम की नज़र बनो तमीम की एक हसीन दोशीज़ा पर पड़ी वो उसे देखते ही उस पर मर मिटा। इस हसीना ने इब्ने मलजम को पहचान लिया और उसको अपने पास बुलाया। इब्ने मलजम जब उसके पास गया तो उसने इस शर्त पर इब्ने मलजम से निकाह की हामी भरी कि वो उसे 3,000 दिरहम, एक गुलाम, एक लौंडी और हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कटा हुआ सर मेहर में दे तो वो उससे निकाह कर लेगी। इब्ने मलजम ने कहा कि उसे आखिरी शर्त मंजूर है, बाकी की शरायत वो पूरी करने पर कादर नहीं है। बनो तमीम की इस हसीन दोशीज़ा ने हामी भर ली। इब्ने मलजम ने इस हसीन दोशीज़ा से कहा कि वो उसे अपने कबीले का कोई काबिले इतमाद आदमी दे ताकि वो अपने इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचा सके। इस दोशीज़ा ने वरदान नामी एक शख्स को इब्ने मलजम के साथ कर दिया। 17 रमज़ानुल मुबारक ब्रोज़ जुमा नमाज फजर के वक़्त इब्ने मलजम अपने दोनों साथियों शुबैब और वरदान के साथ जामिया मस्जिद कूफा पहुंचा और ये तीनों मस्जिद के एक कोने में छुप गए। जिस वक़्त हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नमाज फजर के लिए तशरीफ़ लाए, उस वक़्त शुबैब ने आगे बढ़कर हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर पहला वार किया। शुबैब के वार के बाद इब्ने मलजम आगे बढ़ा और उसने हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर दूसरा वार किया। वरदान ने यह देखा तो बाग खड़ा हुआ। शुबैब भी वार करने के बाद बाग निकला जबकि इब्ने मलजम पकड़ा गया। वरदान ने जब इसका जिक्र अपने दोस्तों से किया तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भांजे उम्मे हानी के बेटे हज़रत जादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। इस दौरान सूरज तुलू हो चुका था। लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जख्मी हालत में घर ले गए। इब्ने मलजम को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश किया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बदबख्त से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने मुझे मारने पर आमादा किया। इब्ने मलजम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैंने इस तलवार को 40 रोज़ तक तेज़ किया और अल्लाह से दुआ की कि इससे वो शख्स मारा जाए जो खलक के लिए शर का बायस हो। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि तू इस तलवार से मारा जाएगा। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाज़रीन महफिल बिलखसूस अपने फरजंद हज़रत सैयदना अमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातब करते हुए फरमाया, अगर मैं जानवर ना हो सका तो तुम इसे कसास के तौर पर इसी तलवार के एक ही वार से कत्ल कर डालना। रवायात में आता है कि उम्मे कुलसूम बिनते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्ने मलजम से फरमाया, तूने मेरे बाप को शहीद करके कुछ नुकसान ना पहुंचाया क्योंकि वो जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम पर फायज होंगे जबकि तू रोज़े महशर ज़लील और रुस्वा होगा। रवायात में आता है कि जब हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने वालिद बुजुर्गवार को जख्मी हालत में देखा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि ऐ हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तू क्यों रोता है? हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि वालिद बुजुर्गवार, मैं इसी बात पर क्यों ना रोऊं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया के आखिरी दिन और आखिरत के पहले दिन में हैं। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब वसाल का वक़्त करीब आया तो उन्होंने अपने फरजंदों को तलब फरमाया और उन्हें वसीहत फरमाई कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अल्लाह जो जल से डरने की नसीहत करता हूँ। मेरे बाद तुम दुनिया की मोहब्बत में मुबतला ना हो जाना, किसी दुनियावी शय के हसूल में नाकामी पर अफसोस ना करना, हक बात कहना और हक का साथ देना,
मजलूमों की अमदाद करना, यतीमों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना, जालम की हमायत ना करना और बेकसूं को सहारा देना, कुरान मजीद से हदायत लेते रहना और अल्लाह अज़ो जल के अहकाम की रोशनी में मलामत करने वाले की मलामत से ना डरना। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने बच्चों को वसीयत करने के बाद कलमाए तौहीद पढ़ा और अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने 21 रमज़ानुल मुबारक 63 हिजरी इस जहाने फ़ानी से कूच फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने गुसल दिया और हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको दारुल अमारत कूफा में सपुर्दे खाक किया गया। बाद रवायात के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को कूफा की जामिया मस्जिद में मदफून किया गया, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को कूफा से 17 किलोमीटर दूर दफन किया गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।